ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 28 का क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था। 2 करना नहीं था। 3 4 हो जाएगा। 4 क्वेश्चन नंबर 5 6 6 दिया नहीं था। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 8 कर लो एक बार, ट्राई करो प्लीज, आप ये कर सकते हो। दो बॉल जब भी कोलाइड होती हैं, मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, तो इसमें मोमेंटम कंजर्व रहता है। कोलिजन से पहले मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम सेम है। ऐसा हमने फोर्थ चैप्टर में किया था, एक बार ट्राई करना। दो बॉल्स आ रही हैं, मैं आपका डायग्राम बना के इसकी हेल्प करता हूँ। दो बॉल्स आ रही हैं, इक्वल मास है, तो इसका मास एम है। एक बॉल इधर आ रही है और दूसरी बॉल इधर आ रही है, इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वेलोसिटी दोनों की सेम है, 45√2। तो इसका मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। इसका मोमेंटम क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। तो इसकी वेलोसिटी राइट है, इसकी वेलोसिटी ऊपर है, तो आपको क्या निकालना है? वेलोसिटी ऑफ द कंबाइंड आफ्टर कोलिजन। ये कंबाइन हो जाते हैं, मतलब ये दोनों चिपक जाते हैं, और लेट अस सपोज ये यहाँ पे इनकी कोलिजन हो जाती है और इनका मास कितना हो जाता है? 2m। तो आपको बताना है कि इसकी कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी, फाइंड कंबाइंड वेलोसिटी। मैं आपको हिंट दे सकता हूँ, कोलिजन से पहले नेट मोमेंटम, कोलिजन के बाद नेट मोमेंटम सेम है, वहाँ से कंबाइंड वेलोसिटी आएगी। आपको ये देखना है कि टक्कर से पहले कंबाइंड मोमेंटम क्या होगा। इसके अंदर कितने होगा आया? देखो इसमें इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, ये होगा, वेक्टर आगे लीजिए। तो इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू 45√2 इनिशियल मोमेंटम। इसका इनिशियल मोमेंटम क्या है? m इंटू 45√2। तो इनके इनिशियल मोमेंटम है, टक्कर से पहले इनका नेट मोमेंटम क्या है? वेक्टर सम। वेक्टर सम में इनिशियल मोमेंटम क्या आएगा? अंडर रूट ऑफ m इंटू 45√2 का स्क्वायर प्लस m इंटू 45√2 का होल स्क्वायर। तो इनिशियल मोमेंटम क्लियर है, मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो दोनों मोमेंटम्स का वेक्टर सम हो गया। फाइनल मोमेंटम क्या होगा इनका? देखो फाइनल मोमेंटम में दोनों का मास क्या हो जाएगा? 2m, एंड दे विल मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी vc। तो फाइनल मोमेंटम है, और मूव पता है कहाँ करेंगे? इसी तरफ रिजल्टेंट के अक्रॉस दोनों इकट्ठे मूव करेंगे, डायरेक्शंस की अगर बात करते हैं। तो मुझे पता है कि बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन मोमेंटम सेम है, इन दोनों को इक्वेट करो, स्क्वेयरिंग करो, वीसी निकालो, कितना आ रहा है? 45। समझ में आया कैसे करना है? तो कोलिजन से पहले मोमेंटम्स कैलकुलेट करो, दोनों 90 डिग्री पे, तो नेट मोमेंटम आएगा वेक्टर सम से, और फाइनल मोमेंटम कैलकुलेट करो 2m into v। समझ में आ रहा है? तो बिफोर कोलिजन, जब भी कोलिजन होगी, टक्कर से पहले मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। क्लियर है यहां तक? कैसे? ठीक, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10, ये नहीं, ये नहीं, स्प्रिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 12 यस सर,
ट्वेल्व डाउट है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ए एंड बी आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर गिवन बिलो फर्स्ट अ बॉडी इनिशियली एट रेस्ट इज एक्टेड अपॉन अ कॉन्स्टेंट फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी वेरीज लीनियरली विद टाइम क्या ये ट्रू है अच्छा ये बताओ काइनेटिक एनर्जी होती क्या है हाफ एम वी स्क्वायर ठीक है हमने क्या निकालना है रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम यानी कि डी के बाय डी टी यही हुआ रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी का मतलब यही है तो यानी कि दोनों तरफ डी बाय डी टी डी बाय डी टी लगा देते हैं तो क्या आएगा हाफ एम वी स्क्वायर क्लियर है यहाँ तक तो ये टर्म क्लियर है यहाँ तक तो इसके अंदर डी के बाय डी टी का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी में हाफ इंटू एम इंटू डी बाई डी टी ऑफ वी का स्क्वायर तो डी के बाई डी टी इज इक्वल टू कितना हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी के डिफ्रेंसिएशन टू इंटू वी इंटू डी वी बाई डी टी ठीक है यहाँ तक डी वी बाई डी टी क्या होती है एक्सेलरेशन तो आपके पास क्या आएगा एम इंटू वेलोसिटी इंटू एक्सेलरेशन ठीक है यहाँ तक अब नेक्स्ट है बॉडी इनिशियली रेस्ट पे है वो कह रहा है कॉन्स्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन भी ऑब्वियसली क्या है कॉन्स्टेंट है और उसने मान लो वी वेलोसिटी एक्वायर कर ली इन टाइम टी तो वी को क्या लिख सकते हैं जीरो प्लस ए टी तो जहां वी है वहां पर रिप्लेस करो ए इंटू टी इंटू एक्सेलरेशन तो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट है मास कॉन्स्टेंट है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी यानी कि डी के बाई डी टी किसके प्रपोर्शनल है टाइम के प्रोपोर्शनल है ये करेक्ट ऑप्शन है ए तो कैसे सोचते हैं समझ में आ रहा है कोई डाउट इसमें सेकंड स्टेटमेंट है व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट इट मस्ट बी इन इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि नेट फोर्स इज जीरो अगर कोई बॉडी मोशन में है और मैंने इसके ऊपर 10 न्यूटन फोर्स राइट लगाई और लेफ्ट लगाई तो इसका मतलब इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी जीरो और ये मूव कर सकती है विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि इफ अ बॉडी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी तो नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी या उल्टा इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी आइदर द बॉडी इज एट रेस्ट और इन मोशन एक ही बात है तो जरूरी नहीं कि रेस्ट पे ही होगी मोशन के अंदर भी हो सकती है क्लियर है यहां तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 के बाद क्वेश्चन नंबर 13 व्हेन अ बॉडी इज एट रेस्ट देन इट मे बी और मे नॉट बी इन इक्विलिब्रियम सो स्टेटमेंट बी इज रॉन्ग एंड ये क्या है ये कैसा क्वेश्चन है हाँ आपका अलग क्वेश्चन है कुछ दिखाना क्वेश्चन नंबर 13 बॉडी अच्छा रेस्ट अ बॉडी एट रेस्ट ब्रेक्स इनटू टू पीसेस विद अनइक्वल मासेस इरा तो बॉडी रेस्ट पे है और वो टूट जाती है दो अनइक्वल मासेस में देखो मेरे को पता नहीं ऑप्शंस क्या हैं पर मैं इतना समझता हूँ बॉम्ब एक्सप्लोजन है अनइक्वल मासेस हैं तो एक टुकड़ा एम वन इधर जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी वन और दूसरा टुकड़ा एम टू इधर जाएगा विद अ वेलोसिटी ऑफ वी टू तो इस केस में बोथ ऑफ देम हैव इक्वल स्पीड ना मास डिफरेंट है तो स्पीड डिफरेंट होगी बोथ ऑफ देम मूव विद द सेम लाइन विद अनइक्वल स्पीड हाँ अनइक्वल स्पीड हो सकती है सेम लाइन है सम ऑफ देयर मोमेंटम इज नॉन जीरो नहीं जीरो होगा क्यों क्योंकि इनिशियली मोमेंटम कितना है फटने से पहले जीरो तो फाइनल मोमेंटम भी क्या होना पड़ेगा जीरो दे मूव अलोंग डिफरेंट लाइन्स ना दे मूव अलोंग अ सेम लाइन ओनली तो एक आगे और एक उसके एग्जैक्टली पीछे आंसर ठीक है तो इसका आंसर क्या बनेगा सेम लाइन बिल्कुल इक्वल एंड ऑपोजिट मूव करेंगे सेम लाइन में दो टुकड़े एक आगे और एक पीछे वही बुलेट आगे गया गन पीछे जाती है मोमेंटम कंजर्वेशन जब एक टुकड़ा टूटता है हमने फोर्स के अंदर मोमेंटम कंजर्वेशन किया था अगर बुलेट आगे जा रही है तो कंजर्व मोमेंटम गन पीछे आती है तो दो टुकड़े होंगे तो एक आगे एक पीछे ताकि इनिशियल मोमेंटम जीरो फाइनल भी जीरो राइट नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 15 15 हो गया आंसर क्या है इसका जीरो क्यों 14th
14th में मास 50 केजी इज रेज्ड थ्रू अ सर्टन हाइट बाय अ मशीन जिसकी एफिशिएंसी 90% है, द एनर्जी इज 5000 जूल, मास को रिलीज किया, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? देखो कोई भी जो मशीन है उसकी एफिशिएंसी क्या होती है, एफिशिएंसी होती है जितना वो आउटपुट वर्क डन करती है और इनपुट में हमसे क्या लेती है, एनर्जी। तो कोई भी मशीन जैसे कोई ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रही है तो वर्क डन कर रही है और इनपुट में एनर्जी ले रही है, वो कह रहे हैं एफिशिएंसी कितनी है मशीन की 90, तो आउटपुट वर्क डन और एनर्जी कितनी ले रही है 5000 × 100। तो यहां से सॉल्व करके क्या आ जाएगा, आउटपुट वर्क डन आ जाएगा 5000 × 90 डिवाइडेड बाय कितना 100। ये आउटपुट वर्क डन किया, ये जो वर्क डन किया उसने, ये वर्क डन जो कि 5000 × 90/100 है, ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर क्या बन जाएगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका आंसर क्या आ रहा है, 90% क्या आ रहा है इसका, 4500। और जब ये नीचे गिरेगी ये ऑटोमेटिकली किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक में, तो काइनेटिक की वैल्यू भी कितनी आएगी, 4500। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट 15th में डाउट है क्या, जीरो क्यों है इसका आंसर? तो हॉरिजॉन्टल तो होती है, हाँ नहीं ऐसा नहीं है, ये देखो कुछ ऐसा है, ऐसा बोलो कि मान लो ये एक प्रोजेक्टाइल है, 60 डिग्री पे प्रोजेक्टाइल गया, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, वी कॉस 60। यहाँ तक आपने सही बोला, ग्रेविटेशनल सही बोला, इस ग्रेविटेशनल में फोर्स की वैल्यू क्या है इसकी, एम जी, जो वर्टिकली डाउनवर्ड है। जो पावर होती है ना वो होती है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड वेलोसिटी। अब फोर्स कहाँ पर है, नीचे, वेलोसिटी कहाँ पर है, राइट, इनके बीच में एंगल क्या है, 90। जब ओपन करेंगे कॉस ऑफ 90 क्या होगा, आंसर इज जीरो। ठीक है यहाँ तक समझ में आ रहा है, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि फोर्स और वेलोसिटी में एंगल 90 है। क्वेश्चन नंबर 16th कितनों का हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या करना है, एन इंजन पंप, क्वेश्चन सही है, इंजन पंप्स वाटर थ्रू अ होस पाइप, पानी बाहर निकल रहा है विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 m/s। तो आपको वेलोसिटी तो कम से कम गिवन ही है, मास पर यूनिट लेंथ गिवन है 100 kg/m, तो पावर ऑफ द इंजन आपको बतानी है। तो आप एक काम करें, इसमें पावर का फॉर्मूला लिखें। देखो पावर का फॉर्मूला क्या है, फोर्स इंटू वेलोसिटी, पावर इज इक्वल टू फोर्स को लिखें d/dt ऑफ मास इंटू वेलोसिटी। लिक्विड या गैसेस के क्वेश्चन में वेलोसिटी बाहर आ जाएगी, क्या बचेगा, dm/dt × velocity, वेलोसिटी को बाहर लिख लिया मैंने, वेलोसिटी पूरा नाम दे दिया, क्लियर है यहाँ तक? प्रॉब्लम ये है कि मेरे को मास पर यूनिट टाइम नहीं गिवन, मेरे को मास पर यूनिट लेंथ गिवन है। तो एक काम करें, इसको dm/dt, एक काम करते हैं हर जगह ना वी लिख लेते हैं, वो ज़्यादा बेटर है, वी एक सिंबल लेते हैं, मास इंटू वेलोसिटी बाहर आ गई वेलोसिटी। एक काम करते हैं, इसको dm/dt को dl से मल्टीप्लाई dl से डिवाइड कर देते हैं, फ़र्क नहीं पड़ता। तब क्या होगा, dm और dl एक तरफ और dl/dt एक तरफ, तो क्या बनेगा, पावर इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dm/dl इंटू dl/dt इंटू वेलोसिटी। dl/dt क्या है, वेलोसिटी, तो पावर इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू dm/dl इंटू वेलोसिटी इंटू वेलोसिटी। तो वेलोसिटी हमें पता है 3 वेलोसिटी का क्यूब इंटू dm/dl भी गिवन है आंसर।
ठीक है यहाँ तक? नेक्स्ट है 17, ठीक है 18th, 18th, में डाउट है। 18th में मान लो आपके पास एक बैलून है और एक लेटर लगी हुई है, एक ग्राउंड है। तो इमेजिन करो कि ये लेंथ एल है, नहीं ग्राउंड रहने देते हैं, हवा में ही है ये सारा, ठीक है। तो इमेजिन करो ये मैन है और ये एल लेंथ ऊपर चढ़ जाता है, तो इसमें इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाती है? एम जी एल। प्रॉब्लम ये है कि जब ये ऊपर चढ़ता है तो बैलून नीचे आ जाता है बाय हाइट ऑफ एच, मोमेंटम कंजर्वेशन। जब बोट आगे जाती है, आप आगे जाते हो बोट पे, बोट पीछे आती है, बैलून ऊपर चढ़ते हो बैलून नीचे आएगा, तो एच हाइट नीचे आ जाता है। अफेक्टिव हाइट यानी कि क्या हो गई? एल माइनस एच। तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज तो हुई पर एम जी एल इंक्रीज नहीं हुई, एम जी एल माइनस एच इंक्रीज हुई। तो इंक्रीज बाई एम जी इंटू एल माइनस एच। अफेक्टिव हाइट तो आपकी एल नहीं रहेगी ना, अफेक्टिव हाइट तो उस मैन की एल माइनस एच हो जाएगी। अब ठीक है यहाँ तक? 18th के बाद क्वेश्चन नंबर 19th हो गया। 19th, पार्टिकल प्रोजेक्टेड 60 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल विद काइनेटिक एनर्जी के, तो 60 डिग्री है विद अ वेलोसिटी वी है, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ इंटू एम वी स्क्वायर, इट्स अ स्केलर क्वांटिटी, 60 डिग्री का फर्क नहीं पड़ता इससे। टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? वी कॉस 60। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? हाफ इंटू एम इंटू वी कॉस 60 का होल स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू वी का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 60। हाफ एम वी स्क्वायर का मतलब के इंटू कॉस 60 क्या होता है? तो के बाई फोर आंसर आ गया। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी के बाई फोर हो गई। समझ में आ रहा था? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 नहीं दिया था, करो क्या आंसर है? आ गया। देखो फिर से सेम प्रॉब्लम है, दे स्टिक टुगेदर, जब दो बॉल्स की टक्कर और स्टिक टुगेदर, क्या सिखाया था? मोमेंटम कंजर्वेशन। तो 10 केजी का एक ऑब्जेक्ट है और वी से मान लो मूव करता है, पता नहीं क्या वेलोसिटी है, 5 केजी पे रेस्ट पे पड़ी हुई बॉल को टक्कर मारता है, टक्कर के बाद ये दोनों स्टिक हो जाते हैं, 15 केजी बन जाते हैं एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। तो आपको ये बताना है वी क्या है, टक्कर से पहले मोमेंटम क्या है? 10 इंटू वी, और इसका मोमेंटम क्या है? 0। टक्कर के बाद 15 इंटू 4, वी निकाल लेना आंसर। कोलिजन से पहले टोटल मोमेंटम, कोलिजन के बाद मोमेंटम विल रिमेन सेम। तो जब भी दो बॉल्स की टक्कर होगी एंड दे स्टिक टुगेदर, तो बस कुछ नहीं करना, मोमेंटम कंजर्व। टक्कर से पहले दोनों बॉल्स का मोमेंटम, टक्कर के बाद मोमेंटम सेम कर देना। समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21 में डाउट। 21 हमने किया लास्ट टाइम, ए वाई स्क्वायर बी वाई प्लस सी वेरिएबल फोर्स है और इसकी इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ करनी है? वेरिएबल फोर्स की माइनस ए से ए। तो याद है फर्स्ट स्टेप यही तो था, याद करो एफ डी वाई की इंटीग्रेशन है माइनस ए से ए। तो ब्रेक करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ये मैंने शीट में लिख के भी दिया था, तो ये वही सेम क्वेश्चन है लास्ट टाइम किया था, इंटीग्रेशन करनी है एफ डी वाई की। क्वेश्चन नंबर 22 में सुन लो कि काइनेटिक एनर्जी पोजेस बाय अ बॉडी ऑफ मास एम मूविंग विद वेलोसिटी वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। ये रिजल्ट जो हम लगाते हैं, इसमें जो मास होता है, वो जो वेलोसिटी होती है बॉडी की, वो बहुत छोटी होती है, निगलेक्टेड होती है एज कम्पेयर टू स्पीड ऑफ लाइट। क्यों? क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट तो बहुत बड़ी है, इससे ऊपर तो दुनिया में कुछ मूव भी नहीं कर सकती। और ये थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, आइंस्टाइन ने बनाई थी, कि अगर आपका कोई भी मास स्पीड ऑफ लाइट को अप्रोच करता है, जैसे 3 × 10^6, 7 तो नहीं, 8 तो नहीं हो, या 7 बहुत स्पीड है किसी पार्टिकल की, तो उसका मास कॉन्स्टेंट नहीं रहता, मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो वो कॉन्स्टेंट रहना बंद हो जाता है। जबकि हम जितने भी एक्सपेरिमेंट करते हैं उसमें मास कॉन्स्टेंट होता है, और हमारी स्पीड होती क्या है? 20 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड, स्पीड ऑफ लाइट है 3 × 10^8 मीटर पर सेकेंड, तो बहुत छोटी होती है हमारी स्पीड्स, तो निग्लिजिबल होती है।
विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ इज करेक्ट, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, जब एक हाइट से गिरा ए तो पोटेंशियल बढ़ती है और काइनेटिक कम होती है, तो बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक बढ़ेगी तो दूसरी कम होती है। ये नहीं करना स्प्रिंग है, ये भी नहीं करना। क्वेश्चन नंबर 26, पावर एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर आपको क्या देगा, वर्क डन। वर्क डन क्या होगा, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ, जो वर्क डन आएगा स्केलर उसको टाइम से डिवाइड कर दो, पावर आ गई। तो पहले आप इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल लें, 12 जूल, ठीक है, आई को आई से, जे को जे से, के को के से, और फिर टाइम से डिवाइड करके पावर। ये नहीं करना कोलिजन। नेक्स्ट 28 में, मशीन विच इज 75% एफिशिएंट यूजेस 12 जूल ऑफ एनर्जी इन लिफ्टिंग अ मास 1 kg थ्रू अ सर्टेन डिस्टेंस। मास को नीचे गिरा, वेलोसिटी बताओ उसकी क्या होगी। देखो कोई भी मशीन है उसकी एफिशिएंसी क्या करवाई थी, आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी इनटू 100, तो एफिशिएंसी कितनी है इसकी 75, आउटपुट वर्क डन डिवाइडेड बाय इनपुट एनर्जी कितनी है, इनपुट एनर्जी है 12 जूल इनटू 100, तो आपके पास आउटपुट वर्क डन की वैल्यू आ जाएगी 75 इनटू 12 डिवाइडेड बाय 100। अब ये आउटपुट वर्क डन मशीन कर क्या रही है, इसी ऑब्जेक्ट को ऊपर रेज कर रही है, तो यानी कि ये क्या मानी जाएगी, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। तो 75 इनटू 12 बाय 100 का मतलब एच हाइट उसने ये रही। अब जब वो नीचे गिरेगी सेम एनर्जी क्या बन जाएगी, काइनेटिक। सेम एनर्जी वैल्यू तो सेम ही रहेगी एनर्जी की, लेकिन वो किस फॉर्म में आ जाएगी, एमजीएच किस में कन्वर्ट हो जाएगा, काइनेटिक। आपको मास क्वेश्चन में गिवन है 1 kg, सॉल्व करके वेलोसिटी निकाल लेना, इतनी वेलोसिटी से हिट करेगी, ठीक है। हाँ जी ठीक है, यहाँ तो नेक्स्ट 28 के बाद 29 में डाउट। 29 में कार मैन्युफैक्चरर है क्लेम दैट इज कार कैन बी एक्सेलरेटेड फ्रॉम रेस्ट, तो रेस्ट का मतलब u इज इक्वल टू 0 टू अ वेलोसिटी ऑफ v की वैल्यू कितनी है 10 m/s, कितने टाइम में, t इज इक्वल टू 5 s में। तो यहाँ से v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी से आप क्या निकाल सकते हैं इसकी एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आएगी 2 m/s का, मास आपको गिवन है 1000, तो फोर्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स की वैल्यू क्या है, मास कितना है 1000 और एक्सेलरेशन कितनी है 2, तो फोर्स कितनी आ गई 2000 N। आपको क्या निकालना है, आपको इसमें निकालना है एवरेज हॉर्स पावर। देखो पहले आप हॉर्स को छोड़ो, आप एवरेज पावर निकाल लो, फोर्स इनटू क्या वेलोसिटी। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि एवरेज पावर में वेलोसिटी भी क्या लेनी पड़ेगी, एवरेज, और हमने एवरेज वेलोसिटी निकालनी सीखी है क्या, टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, याद है ऐसी किया था। टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगी इस बॉडी की, 0 + 1/2 इंटू ए इंटू टी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टी, टी से टी कैंसिल, तो 1/2 इंटू एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है 2, टाइम की वैल्यू कितनी है 5, तो एवरेज वेलोसिटी कितनी आ गई 5, तो यहां पर पुट कर देंगे 5 और यहां पर क्या पुट करेंगे 2000, तो ये पावर आएगी वॉट्स में। और अगर किसी भी वॉट्स को हॉर्स पावर में कन्वर्ट करना है तो 746 से क्या कर देना है डिवाइड, ऑप्शन मार्क कर लेना, ठीक है ना। यहां तक एवरेज पावर का मतलब एवरेज वेलोसिटी से मल्टीप्लाई।
ठीक, पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? नेक्स्ट 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 नहीं करना, इलास्टिक है। 31 डाउट है, 31 में डाउट है। 31 में पार्टिकल इनिशियली किस पे है? एट रेस्ट, एक्टेड अपॉन हॉरिजॉन्टल फोर्स एफ विच इज कॉन्स्टेंट इन साइज, यानी कि एक्सेलरेशन भी यहाँ पर क्या होगी? कॉन्स्टेंट। ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन वर्क डन अगेंस्ट द स्पीड ऑफ द पार्टिकल, तो मान लो कुछ देर के बाद पार्टिकल ने स्पीड अक्वायर कर ली वी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ा? वर्क डन। वर्क डन अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो वर्क डन कितना करना पड़ा? हाफ एम वी स्क्वायर फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो वर्क डन किसके प्रोपोर्शनल है? वेलोसिटी का स्क्वायर। अगर आप पैराबोला के उसमें प्रोजेक्टाइल के चैप्टर में जाएं, तो मैंने आपको पैराबोला चार सिखाए थे, डायग्राम बना हुआ है, तो अगर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर होता है तो आपका पैराबोला ऐसा बनता है, ठीक है, जिसमें ये वाई एक्सिस है और जिसमें एक्स एक्सिस है। अब इसमें वाई की जगह क्या है? वर्क डन। एक्स की जगह क्या है? वेलोसिटी। तो ये वर्क डन और ये वेलोसिटी पैराबोला डी, ऊपर को बनेगा पैराबोला। शेप तो याद करनी पड़ेगी ना, ये पैराबोलास की शेप्स जो थी हमने की थी, तो डी ऑप्शन पैराबोला। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? नेक्स्ट 31 के बाद 32 नहीं 32 के बाद 33 ये करना है, 33 था, ये था, था कर लो। मैन हैंड पंप के ऊपर काम कर रहा है टू अ वेल, तो वर्किंग हैंड पंप फिक्स टू अ वेल पंप्स आउट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम गिवन है आपको 10 की, ये रहा डेंसिटी बाय डिफॉल्ट वाटर की 1000 होती है केजी पर मीटर क्यूब, तो मास क्या होगा वाटर का? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, तो मल्टीप्लाई करो 10 की पावर 4 आ जाएगा केजी। इतना मास उठा रहा है, कितनी देर में उठा रहा है? एक सेकंड में उठा रहा है। इफ द वाटर वेल इज 10 मीटर बिलो, हाइट की वैल्यू कितनी है? 10 मीटर है, तो वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्या होगा? mgh, तो मास कितना उठा रहा है? 10 की पावर 4, जी कितना है? 10, हाइट कितनी है? 10, आंसर mgh। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 डाउट है, बॉडी जिसका मास m है, m1 है, और इसकी वेलोसिटी कितनी है? v है। एक स्टेशनरी बॉडी है जिसका मास कितना है? m2। m2 किससे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट। एम्बेड, एम्बेड का मतलब दोनों इकट्ठे मूव करते हैं विद अ कॉमन वेलोसिटी v, तो कह रहे हैं कॉमन वेलोसिटी क्या होगी? देखो वही सेम चीज, टक्कर से पहले मोमेंटम और टक्कर के बाद मोमेंटम विल बी सेम, तो यहां से कॉमन वेलोसिटी क्या आएगी? m1 into v डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये रही। तो वो कह रहा है कि कॉमन वेलोसिटी क्या होगी, साफ पता लगा डिनोमिनेटर बढ़ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? कम, वेलोसिटी कम हो जाएगी, और वैसे भी दोनों जब एम्बेड हो गए, चिपक ही गए, तो तेज कैसे मूव करेंगे? स्लो ही मूव करेंगे, डिक्रीज आंसर। दोनों इकट्ठे मूव करें, तेज कैसे मूव करेंगे? स्लो करेंगे। समझ में आ रहा है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें? थर्टी फोर के बाद क्वेश्चन नंबर 35 हो गया, 35 कितने का हो गया? थोड़ा सा मॉडिफाइड है, बस थोड़ा सा ऐसे मॉडिफाइड है। हमने ये किया हुआ है, हमने एग्जैक्टली ये नहीं किया, हमने ये किया, अगर बॉल आती है, एक बॉल आती है विद अ, मान लो यहाँ बनाता हूँ डायग्राम, एक बॉल आ रही है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी और जा रही है विद अ मोमेंटम ऑफ एम वी मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा, तो अगर मैं ये पूछूँ कि बताओ इसमें फोर्स क्या होगी बॉल के ऊपर, ये बताओ, तो कैसे करवाया था? इनिशियल मोमेंटम एम वी, ये एंगल थीटा ले लो, इसका एक कॉम्पोनेंट एम वी कॉस थीटा इस तरफ होगा और एक कॉम्पोनेंट एम वी साइन थीटा नीचे की तरफ होगा। उसी तरीके से ये फाइनल मोमेंटम है एम वी, तो ये थीटा, तो थीटा, तो एम वी कॉस थीटा इधर होगा और एम वी साइन थीटा इधर होगा, तो चेंज इन मोमेंटम वाई एक्स में तो जीरो हो जाएगा,
एक्स एक्सिस में समझाया था चेंज इन मोमेंटम होगा एम वी कॉस थीटा माइनस माइनस एम वी कॉस थीटा डिवाइडेड बाय टाइम। तो याद करो हमने ये किया हुआ है, फोर्स की वैल्यू आई थी 2mv cos थीटा डिवाइडेड बाय टाइम, ऐसा किया हुआ है हमने कुछ, क्लियर है यहाँ तक। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बॉल नहीं है, वो कह रहा है कि इसमें स्ट्रीम ऑफ वाटर है, तो यहाँ पर एक पाइप लगी हुई है, पाइप में से तेजी से पानी बाहर आ रहा है सच दैट इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की वैल्यू कितनी है इसमें a है, और v वेलोसिटी से ये हिट करते हैं और डेंसिटी रो है, तो वॉल्यूम पर सेकंड का फॉर्मूला मैंने बताया था पाइप का क्या होता है, एरिया इनटू वेलोसिटी। और मैंने ये भी बताया था कि मास फ्लोइंग पर सेकंड का फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इनटू टाइम, नहीं इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड इनटू डेंसिटी, कि वॉल्यूम इनटू डेंसिटी क्या होता है मास। तो इसका मतलब कि मास फ्लोइंग पर सेकंड, यहां पे ये देखो मास फ्लोइंग पर सेकंड की जगह आप क्या पुट करेंगे, वॉल्यूम फ्लोइंग पर सेकंड क्या होता है एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी, तो यहां पर पुट करेंगे 2 इनटू एरिया इनटू वेलोसिटी इनटू डेंसिटी इनटू वेलोसिटी इनटू कॉस थीटा मल्टीप्लाई करके वी इनटू वी, वी इस पर आंसर। पॉइंट क्लियर है यहां तक, कोई डाउट इसमें? एक स्टेप एक्स्ट्रा इसमें, ठीक है। ठीक है यहाँ तक, नेक्स्ट है 35 की जगह नेक्स्ट है 36, 39, 37, 38, 38, 39 में तो एरिया निकालना है दिया था मैंने, डाउट है? डाउट है, अच्छा मैंने काट दिया असाइनमेंट में से, चलो कोई बात नहीं। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है कि स्फेरिकल बॉल है, नहीं करना था, अच्छा चलो दो मिनट कर लेते हैं, कर लेते कर ले, कोई बात नहीं। एक फुटबॉल है वो ऊपर नीचे आ रही है, तो यहाँ से नीचे गिरती है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी उसकी कम होती हुई काइनेटिक में कन्वर्ट होती है, फिर पोटेंशियल हो जाती है प्लस काइनेटिक भी होगी इसकी, यहाँ पे वेलोसिटी वी भी होगी, और फिर ऐसे तो आपको इस पॉइंट पर वी वेलोसिटी बतानी है। तो मेरे को तो बस ये पता है कि अंडर ग्रेविटी काम हो रहा है, रास्ता जो भी हुआ मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, इनिशियल ये पोजीशन थी, फाइनल ये पोजीशन है, सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक दोनों पॉइंट पर सेम है। तो यहाँ पर पोटेंशियल बोलो कितनी है, एम एम जी एच, एम इंटू जी इंटू हाइट क्या है 100, बस काइनेटिक तो जीरो है, यहाँ पर काइनेटिक जीरो ड्रॉप किया है यहाँ से। फिर जब यहाँ पर आती है तो पोटेंशियल बोलो कितनी है, एम जी इंटू 20, और साथ में क्या टेन कर लेती है काइनेटिक, इक्वेट कर लेना वी निकाल लेना आंसर आ जाएगा, वी आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कुछ नहीं करना, पोटेंशियल काइनेटिक का सम इक्वल कर दो जहां मर्जी आंसर। नेक्स्ट 39, 40, कौन सा नंबर था नेक्स्ट 41, डाउट Now, 41 में वेलोसिटी ऑफ द बॉब एट इट्स मीन पोजीशन, ये होती है मीन पोजीशन इसकी, ये कब, इफ इट एबल टू राइज वर्टिकल हाइट ऑफ 10, तो वर्टिकल हाइट यहां से यहां तक कितनी राइज हो जाता है वो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर का मतलब 10 × 10⁻²⁰ मीटर। तो जब यहां पे आता है तो उसकी कौन सी एनर्जी आ जाती है, पोटेंशियल काइनेटिक जीरो, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर कौन सी एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक पोटेंशियल जीरो, इक्वेट कर लो भी आ जाएगा, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया आंसर, ठीक है ना। यहां तक एम जी एच में एच तो पता ही है ना, और हाफ एम वी स्क्वायर आंसर। 41 के बाद 42,
यस 42 मैंने बोला 42 में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं है कहता, और गलत बताना है, वर्क नीड टू बी डन टू मूव अ बॉडी अप एंड इंक्लाइन पेन इज जीरो। बिल कह रहा है इंक्लाइन पेन पे ऊपर जाना है, फ्रिक्शन है नहीं, तो कोई काम नहीं करना पड़ेगा, करना पड़ेगा क्यों नहीं, कम करना पड़ेगा, करना तो पड़ेगा, तो गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है, तो यानी कि आपको इनकरेक्ट बताना है तो आप साथ साथ ऑप्शन भी देखें, वन तो चलो सब में इंक्लूड कर लिया उसने। फिर वो कह रहा है कि सेकेंड स्टेटमेंट है, इफ देयर वर नो फ्रिक्शन, अगर फ्रिक्शन नहीं है, मूविंग व्हीकल कुड नॉट बी स्टॉप्ड, तो जो मूविंग व्हीकल है उसको रोका नहीं जा सकता, इवन बाय लॉकिंग दी ब्रेक्स, करेक्ट, ब्रेकें लगाते रहो, फ्रिक्शन तो है नहीं, रुकेगी कैसे, लगाते रहो ब्रेक, करेक्ट है, ठीक बोल रहा है ये, तो ये सही है, ये सही है। अगर ये सही है तो यार ये तो आंसर नहीं हो सकता ना, तो दिख रहा है कि आंसर सी होने वाला है। चलो एक आ स्टेटमेंट और पढ़ लो, एज द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इज इंक्रीज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द बॉडी प्लेस्ड ऑन इट इंक्रीजेज। तो जब ये बॉडी ऐसे होती है तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, एम जी कॉस थीटा, जैसे जैसे एंगल बढ़ता है कॉस थीटा की वैल्यू घटती है, क्योंकि थीटा अगर 90 होता है कॉस 90 जीरो होता है, तो नॉर्मल रिएक्शन उल्टा कम होता है, तो गलत बोल रहा है अभी, इंक्रीज डिग्रीज है उल्टा, तो पता लग ही रहा है यार सी ऑप्शन है। ठीक है यहाँ तक, आगे चेक करने की जरूरत क्या है, फोर्टी थ्री में पहले समझ लो अल्फा पार्टिकल क्या होता है, अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम को बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम 42 इज नोन एज अल्फा पार्टिकल। तो ये ना एक मान लो एक न्यूक्लियस है, 238 इसका मास है, यूरेनियम 238 इसका मास 238 है, वो कहता है ये एमिट करता है अपने अंदर से अल्फा पार्टिकल, यानी कि बेसिकली न्यूक्लियस टूट जाता है और अल्फा पार्टिकल बाहर निकालता है, अल्फा पार्टिकल का मास कितना है 4 है, और वो बाहर निकलता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी, तो जो बचा हुआ टुकड़ा है उसका मास क्या होगा 234, टोटल 238 है, 4 गया 234, मूव करता है विद द वेलोसिटी ऑफ वी डैश, बॉम्ब एक्सप्लोजन है, न्यूक्लियस एक्सप्लोजन एक ही बात है, तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, कह रहा है इस बचे हुए पार्टिकल की वेलोसिटी क्या होगी, तो एम वन वी वन इज इक्वल टू एम टू वी टू, तो यहाँ से वी डैश कैन बी कैलकुलेटेड आंसर, निकाल लेना वी डैश। ठीक है यहाँ तक, हाँ नेगेटिव आएगा, सी आंसर है, नहीं हाँ सी नहीं है, ए आंसर है, अगर एक आगे जा रहा है दूसरा रिकॉइल कर रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव, वो रेस्ट पे पड़ा था न्यूक्लियस, बॉम्ब अगर रेस्ट पे है ऐसा कर लो नेगेटिव साइन के लिए, ऐसा करो चलो, तो सपोज करो इसको रहने दो, इनिशियल मोमेंटम न्यूक्लियस का जीरो था, फिर क्या हुआ, ये मान लो इधर चला गया, तो दूसरे को तो यार यहाँ पर होना ही पड़ेगा ना, ऐसे कराया था ना, तो एम वन वी वन एम टू वी टू, नेगेटिव साइन का मतलब है कि रिकॉइल हुआ है ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस के साथ आंसर है। ठीक है नेक्स्ट, 44 था, 46 इसमें ना 20 kg आंसर के साथ होएगा, ये गलत है, 2 नहीं है, ये 20 kg होना चाहिए, अब आंसर आएगा, डाउट है अब आएगा। इसमें दो बॉडीज हैं, एक का मास है 20 kg और एक का मास है 5 kg, ठीक है, तो वन ऑफ देम और दोनों के ऊपर जो फोर्स ऐड कर रही है वो 4 kg वेट है, 4 × 10 कितना 40, तो ये 40 न्यूटन है और ये
40 न्यूटन है, तो एक्सेलरेशन इसकी क्या होगी, 40 डिवाइडेड बाई 20 कितनी, 2 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, 40 डिवाइडेड बाई 5 यानी कि 8 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। कह रहे इफ दे हैव सेम काइनेटिक एनर्जी इन टाइम टी वन एंड टी टू, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम इंटू, मान लो इसने वेलोसिटी एक्वायर की वी ए और इसने वेलोसिटी एक्वायर की वी बी, तो आपको ये बताना है कि टी ए टी की रेशियो क्या है। फर्स्ट बॉडी के लिए फर्स्ट बॉडी की वेलोसिटी आफ्टर टाइम क्या बनेगी, एक्सेलेरेशन 2 इंटू टाइम टी ए। सेकेंड बॉडी के लिए वेलोसिटी क्या बनेगी, 0 प्लस एक्सेलेरेशन 8 इंटू टाइम कितना, टी बी। तो यहाँ पुट कर देते हैं, हाफ इंटू एम इंटू 2 इंटू टी ए का स्क्वायर, और यहाँ पर कितना, हाफ इंटू, सॉरी मास भी चेंज है, फर्स्ट बॉडी का मास है 20 के जी, सेकेंड बॉडी का मास है 5 के जी, और इंटू कितना, 8 इंटू टी बी का स्क्वायर। कर लोगे इक्वेट, इक्वेट करके आपका आंसर आएगा। तो इसमें जो मास है, मैं इसको ठीक कर देता हूँ, एक मिनट इसको फिर से लिखता हूँ। तो यहाँ पर जो मास है वो आएगा 20, वो आएगा 20, और यहाँ पर जो मास है वो कितना आएगा, 5, ऐसे। तो हाफ इंटू 20 इंटू 2 इंटू टी ए का स्क्वायर, और ऐसे यहाँ पर हाफ इंटू 5 इंटू वी बी का मतलब 8 इंटू टी बी का स्क्वायर। तो दोनों को इक्वेट करके टी ए टी बी की रेशियो निकाल लेना। पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, ठीक है। समझ में आ रहे हैं यहाँ पर, हाँ आएगा, आएगा नहीं आ रहा, आ रहा है, ठीक। 46 नेक्स्ट है, कौन सा क्वेश्चन था नेक्स्ट, 52 डाउट है, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन में वो क्या कह रहा है, एक बॉल है जिसका मास m है, वर्टिकली नीचे गिरती है फ्रॉम हाइट h1, फिर टक्कर खा के रीबाउंड होती है टू हाइट ऑफ h2, तो बात साफ है कि एनर्जी लॉस है, अदरवाइज h1 की हाइट h1 ही अटेन करती, तो h1 अगर कम हाइट आ रही है h2, तो एनर्जी लॉस है। तो अब वो कह रहा है कि चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू इसमें क्या होगी ये बताओ। देखो इसके अंदर सपोज एक बॉल रेस्ट से चलती है और वो ग्राउंड को हिट करती है विद अ वेलोसिटी, कितनी हाइट से, h1, तो सबको पता है कि ये वेलोसिटी क्या आने वाली है, अंडर रूट ऑफ 2g h1, तो यानी कि नीचे हिट करने का मोमेंटम क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ 2g h1, ये इनिशियल मोमेंटम है, सही है यहाँ तक। अब फाइनली क्या होने वाला है, टक्कर खाने के बाद ये कितनी हाइट अटेन करने वाली है, h2, तो जाने की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 2g h2, नॉट h1, 2g h2 के साथ जाएगी, वैसे आई तो 2g h1 के साथ थी, जाएगी 2g h2 क्योंकि h2 हाइट अटेन करने वाली है, क्लियर है यहाँ तक। तो मोमेंटम क्या होगा, ठीक है यहाँ तक। तो आपको निकालना है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या है, एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2g h2, इनिशियल मोमेंटम क्या है, एम इंटू अंडर रूट ऑफ 2g h1, लेकिन विद नेगेटिव साइन, क्योंकि ऊपर की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव है तो नीचे की डायरेक्शन मोमेंटम में क्या होती है, नेगेटिव। तो याद है रीबाउंड के केस में एम वी माइनस माइनस एम वी क्या करते थे, एक बॉल आ रही है एम वी, वापस जा रही है एम वी, तो चेंज मोमेंटम जीरो नहीं होता 2 एम वी, बिल्कुल वैसे ही आने का मोमेंटम जाने का मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम माइनस
माइनस इनिशियल मोमेंटम, प्लस हो जाएगा आंसर, मार्क कर लेना, आंसर पॉजिटिव में आएगा प्लस करके। समझ में आ रहा है यहां तक? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53, 54 कौन सा था? डाउट है। मास 10 ग्राम मूविंग विद वेलोसिटी स्ट्राइक्स अ पेंडुलम ऑफ मास 10 ग्राम, द टू मासेस स्टिक मैक्सिमम हाइट। हमने शीट, अच्छा लेंथ नहीं दी हुई, हाँ लेंथ तो गिवन होनी चाहिए, नहीं गिवन नहीं है, ऐसे तो ऐसे ही कर दिया। चलो ट्राई करते हैं फिर, एक मिनट रुको, नहीं चाहिए, अच्छा एक मिनट चेक करता हूँ, कोई बात नहीं। ये 10 ग्राम है, मूविंग विद वेलोसिटी ऑफ 100 सेंटीमीटर पर सेकंड है, एक पेंडुलम लटका हुआ है, इसका मास 10 ग्राम है, तो पहले काम करते हैं इसकी वेलोसिटी निकालते हैं। तो पहले 10 × 100 ये किस पे पड़ा हुआ है? एट रेस्ट, तो इसका मोमेंटम जीरो। फिर बाद में क्या हुआ, ये दोनों इकट्ठे हो गए, इकट्ठे होने का मतलब मास कितना हो गया? 20 ग्राम, 20 × कॉमन वेलोसिटी v, तो v कॉमन वेलोसिटी की वैल्यू इसमें आ जाएगी, तो कॉमन वेलोसिटी कितनी आएगी? 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इकट्ठे चलेंगे विद 50 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और मान लो ये एच हाइट अटेन कर लेते हैं, और एच हाइट क्या है ये, ठीक है, तो एच हाइट अटेन करते हैं, तो आपको मैक्सिमम हाइट बतानी है, एच क्या होगी ये बताना है। तो लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक क्या होगी? 1/2 × 20 × 50 का स्क्वायर, CGS में पोटेंशियल तो होगी नहीं, और काइनेटिक पोटेंशियल यहाँ पर क्या हो जाएगी? नहीं चाहिए भाई, नहीं चाहिए, एच आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट चाहिए, एच आ गया, ठीक है ना यहाँ तक। तो काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दो, ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट 54 के बाद क्वेश्चन नंबर क्या था? 55, डाउट है? डाउट है, ठीक, डाउट है। वो कह रहा है, इट इज इजियर टू ड्रॉ अप अ वुडन ब्लॉक अलोंग इंक्लाइन प्लेन देन टू हॉल इट वर्टिकली, प्रिंसिपली क्यों? जब आप बिल्कुल सीधा ऊपर उठाते हो तो आप फोर्स क्या लगाते हो? mg। जब इंक्लाइन प्लेन पे लेके जाओगे तो इस पे फोर्स क्या लगाओगे? कम से कम mg, साइन थीटा लगाओगे, साइन थीटा फ्रैक्शन में होता है ना, थीटा लेस देन 90 है ना, फ्रैक्शन में होगा तो ये फोर्स कम लगेगी ना, तो इंक्लाइन प्लेन पे चढ़ाना आसान है आंसर। अच्छा ऑप्शंस, ऑप्शन में फ्रिक्शन इज रिड्यूस, फ्रिक्शन का लेना देना है ही नहीं, मास भी कम, मास तो कॉन्स्टेंट है, भी तो हो नहीं सकता, ओनली अ पार्ट ऑफ वेट हैज टू बी ओवरकम, हाँ पार्ट ऑफ वेट mg साइन थीटा कॉम्पोनेंट ऑफ वेट ही तो है, mg नहीं है ना, पार्ट ऑफ वेट है, और जी में तो फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में तुम क्या कर रहे हैं? पार्टिकल एक्टेड अपॉन कांस्टेंट फोर्सेस, एफ, ये आई जे के है ये, तो ये F1 वेक्टर फोर्स है और ये F2 वेक्टर फोर्स है। सबसे पहले काम करो आप ना, इसमें नेट वेक्टर निकालो, विच विल बी इक्वल टू F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर, तो ये नेट फोर्स आ जाएगी, ऐड कर लेना। फिर डिस्प्लेसमेंट है RA वेक्टर से लेके RB वेक्टर, दोनों गिवन है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है? RB वेक्टर माइनस RA, ये माइनस कर लेना। फिर आपको क्या निकालना है? वर्क डन निकालना है, तो वर्क डन के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लेना, नेट वेक्टर डॉट S वेक्टर से आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट 57, 58 कौन सा है? डाउट है,
The power of water pump आपको given है, amount of water it can raise in 1 minute to a height of 10 meter. देखो जो power होती है वो 200 kilowatt है, तो kilowatt का मतलब क्या हुआ, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करके वॉट्स में कन्वर्ट करेंगे. क्यों 2 है? अच्छा वैसे अगर इसके अकॉर्डिंग तो ये हो गया ना वॉट्स, ये पावर है. तो पावर होती क्या है, पावर होती है वर्क डन, यहाँ पर वर्क डन क्या है एम जी एच बाई टाइम. तो एम की वैल्यू कितनी है इसमें निकाल, अच्छा वॉल्यूम निकालना है, कोई बात नहीं मास निकाल लेते हैं पहले. जी कितने हैं 10, हाइट कितनी है 1, अपॉन टाइम क्या है 60. तो यहाँ से पहले ना इनको इक्वेट करके मास निकाल लेना. तो डेंसिटी वाटर की पता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास निकाल लिया, डेंसिटी पता है 1000 होती है, यहाँ से सॉल्व करके वॉल्यूम लीटर में कन्वर्ट. मुझे पता नहीं आंसर आ रहा नहीं आ रहा, तो यहाँ से चेक कर लेना आंसर आएगा. आंसर नहीं आ रहा मतलब यहाँ पे करेक्शन होनी चाहिए, 200 की जगह 2, अच्छा 2 किलो वॉट कर लेना, ओके फिर आंसर सही आएगा. ठीक है 2 कर लेना, कोई बात नहीं. मेथड समझ में आ रहा है ना क्या करना है? और कौन सा क्वेश्चन है? खत्म हो गया. ठीक है